नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंच। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे SBI की एक शानदार स्कीम के बारे में। जब से स्कीम स्टार्ट हुई है, यानी जनवरी 2013 से लेकर अब तक, इस स्कीम ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। दोस्तों, स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड है। पिछले कई साल से यह फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, तो इसमें SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सेक्टोरल टेक्नोलॉजी फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस स्कीम के अंदर एक बार 10 लाख रुपए जमा करके आपको हर महीने 14,000 रुपए मिलते रहेंगे और उसके बाद भी आपको मैच्योरिटी पर 42 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम इस स्कीम की रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न है 25.18%, जो कि एक शानदार रिटर्न है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में इस स्कीम ने 30.04% रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न है 39.18% और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने 75.77% रिटर्न दिया है, जो कि एक शानदार प्रदर्शन है। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस स्कीम में 14,000 रुपए की मंथली इनकम सेट कर सकते हैं और उसके बाद भी जो 10 लाख रुपए जमा करेंगे वो भी बढ़कर मिलेगा, तो इसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस स्कीम की कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड के NAV की बात करें तो यह अभी 169.30 रुपए चल रहा है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम का फंड साइज है 1,891 करोड़ रुपए का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। अगर हम बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो वो है 0.98% का। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। ये तो बात हुई स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार RD की तरह अलग अलग किस्तों में एक फिक्स अमाउंट जमा करते हैं। दूसरा होता है लमसम का, इसके अंदर आप एक बार FD की तरह पैसे जमा करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तीसरा होता है SWP प्लान, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, इसके अंदर आप एक बार पैसा जमा करके हर महीने एक फिक्स इनकम सेट कर सकते हैं और जो पैसा आप जमा करेंगे वो भी बाद में आपको बढ़कर मिलता है। आज हम बात करेंगे SWP प्लान के बारे में। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप इस स्कीम के अंदर एक बार 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो किस प्रकार आपको हर महीने 14,000 रुपए मिलते रहेंगे और उसके बाद भी आपको मैच्योरिटी पर 42 लाख रुपए मिलेंगे। यहां पर रिटर्न जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 20% का, जो कि इस स्कीम के ऑल टाइम रिटर्न 25% से 5% कम है। दोस्तों, अगर आप इस पैसे को 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 14,000 रुपए हर महीने एक पे आउट मिलेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर 10,17,107 रुपए मिलेंगे, जबकि 1 साल के अंदर आप 1,68,000 रुपए का पे आउट ले चुके होंगे। अगर आप इस पैसे को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 14,000 रुपए हर महीने एक पे आउट मिलेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर 11,27,301 रुपए मिलेंगे, जबकि 5 साल के अंदर आप 8,40,000 रुपए का पे आउट ले चुके होंगे। अगर आप इस पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 14,000 रुपए हर महीने एक पे आउट मिलेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर 14,44,067 रुपए मिलेंगे, जबकि 10 साल के अंदर आप 16,80,000 रुपए का पे आउट ले चुके होंगे। अगर आप इस पैसे को 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 14,000 रुपए हर महीने एक पे आउट मिलेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर 22,32,281 रुपए मिलेंगे, जबकि 15 साल के अंदर आप 25,20,000 रुपए का पे आउट ले चुके होंगे। अगर आप इस पैसे को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 14,000 रुपए हर महीने एक पे आउट मिलेगा। उसके बाद भी आपको यहाँ पर 41,93,610 रुपए मिलेंगे, जबकि 20 साल के अंदर आप 33,60,000 रुपए का पे आउट ले चुके होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस स्कीम के अंदर एक बार 10 लाख रुपए जमा करके 14,000 रुपए मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद भी आप यहां पर एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको निवेश कैसे करना है, तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। एक किसी ब्रोकर के थ्रू, दूसरा फंड कंपनी की वेबसाइट से और तीसरा घर बैठे मोबाइल ऐप के द्वारा। अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अपस्टॉक का, उस पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और इस प्रकार डायरेक्ट इन्वेस्ट करके आप 1.5% तक का ब्रोकरेज एक्सपेंस बचा लेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.moneymunch.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।